हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है मेरी बीइंग विद चार्मी की चैनल में। सो इफ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज चार्मी एंड आई वेलकम यू इन माय चैनल। सो आज का ये वाला वीडियो है ना, काफ़ी स्पेशल होने वाला है, बिकॉज ये वाले वीडियो में मैं वो प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड किया था, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली मेरे एक वीडियो है जिनका टाइटल है द बेबी प्रोडक्ट्स वर्थ नॉट बाइंग, उनमें उन्होंने कमेंट डाला था जिनका नाम है मॉरिन शर्मा। और कमेंट ये था कि उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स मैंने शो करी थी उसमें उन्होंने अग्री किया था और बोला था कि क्लोथ आप कहाँ से परचेस करते हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं जो भी क्लोथ बेबी के लिए परचेज करती हूँ वो सारे ही फर्स्ट क्राई से होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए एक ये वाला वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं बेबी के जो भी क्लॉथ्स है जो कि मैंने फर्स्ट क्राई से परचेज किए हैं उनका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो मॉरिन, एंड आप उनकी तरह कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए मेरी चैनल की वीडियो के नीचे, एंड मैं आप लोगों के लिए वो डेडिकेटेड कॉन्टेंट वीडियो लेके आऊँगी। एंड चलिए आज का ये वाला वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट है डाइपर लेगिंग्स। तो डाइपर लेगिंग्स मैंने रिसेंटली मेरा जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था अ डे इन माय लाइफ व्लॉग, उसमें मैंने बताया था, बिकॉज उसी दिन यानी कि रामनवमी के दिन वो पार्सल मुझे रिसेंटली डिलीवर्ड हुआ था। तो हाँ, वो है बेन बेनी की डाइपर लेगिंग्स जो कि 2 के सेट्स में आती है। वैसे मैंने 3 मंगाए थे, सो आई विल शो यू दैट प्रोडक्ट, जिसमें एक है ये ब्लू प्रिंट का, वेरी सटल एंड क्यूट कलर है, काफ़ी प्लेन है बट काफ़ी सटल कलर है। कापड़ की मटेरियल की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा कॉटन मटेरियल है, एंड ये एक होजियरी वाला मटेरियल है जो भी हम नाइट सूट्स में पहनते हैं वैसा ही मटेरियल है। काफ़ी अच्छा एंड स्मूथ है, बेबी को बहुत कंफर्ट लगेगा। एंड ये इसकी खास बात ये है डाइपर लेगिंग्स की कि ये यू शेप में आती है, वी शेप में नहीं आती, ताकि बेबी को बहुत ही कंफर्टेबल रहे। इसमें मैंने 6 लेगिंग्स मंगवाए, मैं जैसे बोला कि 2 के सेट्स में, तो इसके साथ आया था ये हाथी के प्रिंट का, काफ़ी अच्छा कलर है, वाइब्रेंट कलर है, बेबी को काफ़ी अच्छा लगता है पहनने को। सो ये फर्स्ट सेट है। सेकंड सेट में आता है ये ब्राउन स्ट्राइप्स वाला, और इसी के साथ आता है ये वाला पेयर। अभी गर्मी चल रही है इसलिए मैंने इसे क्यूट एंड सटल कलर मंगवाए हैं, बिकॉज बेबी को अच्छा फील होता है और काफ़ी स्मूथ मटेरियल में है, तो या बेबी विल लव इट। ये थर्ड सेट है जिसमें काफ़ी क्यूट एनिमल प्रिंट है, एंड इसी के साथ ये येलो कलर में है, सिर्फ प्लेन डाइपर लेगिंग्स है। सो ऐसी ये 6 डाइपर लेगिंग्स मैंने मंगवाई है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये क्यूट वंसेस जो कि एनिमल प्रिंट में है। सो बेबी के जो भी क्लोथ्स यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ ना, वो सारे ही कॉटन मटेरियल के हैं। सो डोंट बी वरीड अबाउट कि हाँ मेरा बेबी कैसा फील करेगा, आंख बंद करके आप जा सकते हो, काफ़ी क्यूट प्रिंट है, देख सकते हो। एंड गर्मी में क्या है ना, ये वंसेस पहना है तो नीचे अगर लेगिंग्स ना भी पहनाए दिन के दौरान तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और बेबी को काफ़ी अच्छा भी फील होता है, काफ़ी कम्फी है ये। द नेक्स्ट वन इज अगेन ये 2 के सेट्स में मिलता है, द प्रिंट इज बहुत ही क्यूट है, डेडी इज माई बेस्टी, और ये बेबी ओए ब्रांड की है। एंड इसकी खास बात ये है, जनरली हम कभी भी स्लीवलेस ऐसे ढूंढते हैं तो इस पर बटन नहीं देते, तो मेरे पास और एक सेट था 3 के सेट्स में वो आया था, बेबी हक की ब्रांड का था, बट अभी क्या है ना पहनाने में बहुत दिक्कत होती है, और यहाँ पे बेबी ओए की ब्रांड से ना ये वाले काफ़ी अच्छे क्यूट आए हैं, बिकॉज इसमें ना ये बटन दिए हैं देखिए, और इससे ना आपको पहनाने में बड़ी आसानी होती है, काफ़ी चौड़ाई मिलती है आपको यहाँ पर। सो एक ये हो गया, और उसके साथ एक सेट में आया था ये है, ये अगेन काफ़ी क्यूट प्रिंट की है। सो ऐसे 2-2 के मैंने 2 सेट्स मंगवाए हैं, दोनों ही बेबी ओए के हैं जिसमें यहाँ पे बटन मिलता है, और ऐसे और एक सेट मंगवाया है, ये काफी क्यूट ऐसे डूडल बनाए हैं एनिमल प्रिंट की, क्लाउड है, अगेन ये बेबी ओए ब्रांड का है, यहाँ पे आपको बटन्स दिख जाएंगे। और इसके सेट में इसके साथ आया है ये वाला, और
और हाँ, इसमें एक छोटू सा ना पॉकेट भी दिया है, सॉरी आई मिस्ड इट, ये देखिए। ओके नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट है ओपन वेस्ट, ये काफ़ी अभी चलता है समर में, एंड स्लीवलेस भी मिलता है, स्लीव वाला भी मिलता है, हाफ स्लीव्स का भी मिलता है। सो ये हाफ स्लीव्स के ओपन वेस्ट है। ओपन वेस्ट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे फ्रंट ओपनिंग का बटन दिया जाता है आपको, एंड पहनाने में आसानी रहती है। सो ये है ब्रांड बेबी हग का, और आपको ऐसे बहुत सारा मिल जाएगा फर्स्ट टाइम आप सर्च करोगे ओपन वेस्ट। तो ये वाला जो मैंने ऑर्डर किया था, ये है 3 के सेट में, जिनमें से ये फर्स्ट है। जो भी मैं साइज़ मंगवाती हूँ वो 6 to 9 मंथ्स का है, क्योंकि मेरा बेबी अभी जस्ट 7 मंथ्स कंप्लीट करेगा विद इन अ वीक। एंड इसी के साथ 2 और है जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसमें से सेकंड वन ये है, काफ़ी क्यूट एनिमल प्रिंट का है, ये देखिए। थर्ड वन इज़ अ वेरी क्लासिक एंड सटल कलर। सो नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट है बेबी हग ब्रांड का ही, जो कि है नाइट सूट्स, और मुझे नाइट सूट्स इतना बड़े क्यूट और प्यारे लगते हैं। सो ये अगेन मुझे ना एनिमल प्रिंट सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, एंड ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था, सो इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया। ये ओपन वेस्ट की तरह नाइट सूट्स है, यहाँ पे फ्रंट आपको बटन मिल जाएगा, एंड इसके नीचे आपको मिल जाएगा शॉर्ट, देखिए। मैं डाइपर लेगिंग्स तो देख लिया बॉटम वेयर में, मैंने बॉटम वेयर के अंदर एक और कैटेगरी भी एक्सप्लोर करी है, जिसमें से है शॉर्ट्स, और उसको मैं पेयरअप करूंगी जो भी स्लीवलेस मैंने मंगवाया है या फिर ओपन वेस्ट है उसके साथ भी हम पेयरअप कर सकते हैं। सो ये है बेबी हग ब्रांड का, 3 के सेट्स में आता है, जिसमें से फर्स्ट है ये। एंड दूसरा वाला है जो कि मेरा फेवरेट है, एंड द लास्ट वन इज स्ट्राइप्स वाला, क्योंकि आप बेबी हग की कोई भी आप सेट्स में लोगे ना, तो एक तो आपको स्ट्राइप मिलती ही मिलती है, कोई भी कलर में आप कॉम्बिनेशन में लो। सपोज ये वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये आप देख सकते हो ब्लू व्हाइट एंड येलो के ऊपर जाता है, तो आपको 2 डिफरेंट मिलेगा और एक स्ट्राइप्स वाला मिलेगा। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लेमन येलो कलर का, जो कि मेरा सबसे फेवरेट नाइट सूट है, देखिए। उसकी प्रिंट भी काफ़ी अच्छी एंड कलर बहुत ही ब्राइट है, जो कि बच्चे को बहुत ही सूट होता है। ये है ब्रांड बेबी हग की, एंड ये ऐसे शर्ट आता है ऐसे, एंड अगेन जो मटेरियल क्वालिटी काफ़ी अच्छी हॉजरी मटेरियल है, जो भी नाइट सूट है उसकी मटेरियल सब भी हॉजरी है, जो हम नाइट सूट पे पहनते हैं। एंड इसके साथ आपको पैजामा मिल जाएगा, कोई कोई नाइट सूट के साथ शॉर्ट्स मिलते हैं, किसी किसी के साथ पैजामा मिलता है, आप देख सकते हो, एक्सप्लोर करिए फर्स्ट लाइक को, बहुत सारा कलेक्शन आपको मिल जाएगा, देखिए। एंड मेरी अगली प्रोडक्ट भी नाइट सूट ही है, जो कि है ऑरेंज कलर में, आप क्रीज से ही देख सकते हो कि ये कॉटन मटेरियल का है, ये होजरी मटेरियल का नहीं है, ये प्योर कॉटन है। अगर आपका किट भी मेरी किट की तरह रात को ब्लैंकेट निकाल देता है ना, देन दिस वन इज़ जस्ट फॉर यू। एक्चुअली एसी की वजह से हम मम्मियाँ क्या करते हैं, इसको फुल स्लीव्स का पहना देते हैं, कभी कभी मेरे पास फुल स्लीव्स का हो या फिर हाफ स्लीव्स का हो। ये वाला मुझे प्रिंट की वजह से बहुत अच्छा लगा था, एंड कॉटन मटेरियल का है तो रात को गर्मी भी नहीं लगेगी, वो ना ब्लैंकेट निकाल देता है, तो मैंने सोचा कि एक फुल स्लीव्स का भी लिया जाए। प्रिंट एंड कलर कॉम्बिनेशन से मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए ये मैंने ऑर्डर किया था फर्स्ट क्राइस से। एंड अगेन ये बेबी हग की ब्रांड का है, आप देख सकते हो 6 to 9 मंथ्स की एज ग्रुप का है, एंड इसके साथ आपको मिल जाती है पैजामा यानी कि लेगिंग्स, ये देखिए। सो नाउ दिस प्रोडक्ट इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम फर्स्ट क्राई। मेरी 2 प्रोडक्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, एक है जो मैंने बोन टाइम पे थ्रू को पहनाया था, वो डक प्रिंट का, एंड वो भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही लिया था, एक सेट में था, और ये वाला जो है वो मैंने उसका हाफ बर्थडे पे पहनाया था, काफ़ी अच्छा एंड क्यूट सा है, देखिए। ये कैसा दिखता है बेबी पे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे जाके रील देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे अपलोड करी है। अगर आपको मेरा आईजी हैंडल का पता नहीं है, दिस इज़ माय आईजी हैंडल, यू कैन गो एंड चेक इट आउट।
सो या लेट मी टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट्स. कम्स विथ अ बो. एंड किड विल लव दिस मटेरियल बिकॉज ये हॉजरी मटेरियल है जो हम नाइट सूट्स में पहनते हैं. एंड काफ़ी अच्छा एंड प्रिटी कलर है. ब्लू एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है इट्स अमेजिंग विथ अ बो. सो आई रियली लव इट. और मेरे बच्चे को तो काफ़ी अच्छा लगा था. कोई किचकिच नहीं कर रहा था जब मैंने उसको पहनाया. अदरवाइज़ क्या होता है ना कि उसको एथनिक वेयर अच्छा नहीं लगता. जब भी मैं उसको पहनाती हूँ ना तो वो एक दो घंटा तो ज़्यादा करके वियर करेगा, बाकी वो निकाल ही देगा. वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है जब भी मैं उसको एथनिक वेयर पहनाती हूँ. सो पजामा और कुर्ता वगैरह मैं उसके लिए ज़्यादा नहीं ख़रीदती. और मैं कोशिश करती हूँ कि उसके लिए कुछ ऐसा वाला मटेरियल मैं देखूँ ताकि वो कंफर्टेबली वियर कर पाए 4 से 5 घंटे जब हम किसी भी फंक्शंस में जाते हैं. इवन दो जो मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था वो भी 3-4 घंटे उसने पहना था. तो वो ईजिली कम्फर्टेबली वो वियर कर सकता है ये काइंड ऑफ मटेरियल में. और ये बहुत ही अच्छा और क्यूट भी लग रहा था. एंड इसकी खास बात पता है आपको ये है कि नीचे आपको यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं. इसकी मदद से अगर बेबी कोई पोटी वगैरह करता है तो आपको पूरा नहीं निकालना पड़ता क्योंकि ये हैवी है. आप पहनावे में हैवी लगता है ना तो हमको लगता है कि अरे हमको कितनी झंझट रहेगी. और जैसे हम एथनिक में पहनाते हैं ना कि पूरा पजामा निकालना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं होता. आपको नीचे से बटन जो दिख रहा है उसको निकाल के आप जो भी डायपर वगैरह है आप चेंज कर सकते हैं ईजिली. Now the last product of this video is my favorite brand Carter. तो मैंने जैसे मेरे व्लॉग में दिखाया था जो मेरे बेबी ने पहना था, सो वो भी वॉश में है तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी. तो यहाँ पे मैं इमेज डाल दूँगी, यू कैन चेक इट आउट. सो ये इस टाइप का है, आप मटेरियल देखिए. और ये एक्चुअली वंसीज है, काफ़ी क्यूट प्रिंट. मैंने ना अपने एक वीडियो में बोला था कि आपको ना ऐसे वाले कपड़े नहीं लेने चाहिए जिसमें ऐसी करके डिज़ाइन पैटर्न्स हो. बट कार्टर ब्रांड की एक खासियत है कि आप इसको एडवांटेज गिनिए क्या है, क्योंकि ये ना ऐसे फिसलता नहीं है बेबी से, मैंने देखा है. एंड बहुत ही कंफर्टेबली आप इसमें इसकी वजह से ऊपर से डाल भी सकते हो और कोई दिक्कत नहीं आती. और इसका कितना थिन मटेरियल होता है मैं आपको दिखाती हूँ. और ये वाला जो भी सेट है वो बेज ब्राउन एंड ऐसे ग्रेश कलर में, वाइट कलर में आया है. और इसकी जो कपड़े का मटेरियल है इट्स टॉप लेवल. एंड आई शो यू, कैन यू सी माई फिंगर्स. सो आप देख सकते हो इतना पतला और इतना कंफर्टेबल वाला है. इट्स स्ट्रेची टू अप टू 9 मंथ्स के बेबी तक आप पहना सकते हो. काफ़ी अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल मटेरियल में बेबी को बहुत अच्छा लगता है. मैं दिन में ना ऐसे कपड़े पहनाती हूँ ताकि उसको ज़्यादा गर्मी ना हो. और फिर नीचे मैं शॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं डालती, बस ऐसे ही वंसेस पहना देती हूँ. और वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है. इसके साथ जो और आए हैं मैं आपको दिखाती हूँ. एक ये हो गया, एक ये वाले प्रिंट का हो गया. देखिए कितनी अच्छी प्रिंट है. एक दूसरी ये है. देन थर्ड वन इज दिस स्ट्रिप्स वाली. सारे ही वंसीज ही है, आप देख सकते हो. और सब भी प्रोडक्ट ऐसी ही दिस वन इज माई फेवरेट. एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाई है ये सारी प्रोडक्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. प्लीज़ चेक दिस आउट. एंड अगर कोई आप चाहते हो कि डेडिकेटेड कंटेंट पे मैं वीडियो बनाऊँ और वो आपका टॉपिक हो, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मैं वो कमेंट पढ़ के लाइक करके आपका डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँ. एंड अगर आपको कमेंट नहीं करना है यू कैन ऑल्सो डी एम मी इन द एनजी हैंडल. आप वहाँ पर मुझे डी एम करिए, मैं वहाँ से आपका रिक्वेस्ट सुन के
डेडिकेटेड कंटेंट वीडियो उस टॉपिक में बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि उसकी मदद से आपको मेरी वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। एंड लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।